नमस्कार गुड मर्णिंग सतेज सकाल एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करना समस्त सतेज भरा नमस्कार मु कमलाकांत सतेज सकाले आज भी आम आलोचना करवा विभिन्न खबरकगजे कौन सब प्रमुख खबर रही है और आम रिपोर्टर मैंने जोड़ी हे और अधिक आलोचना करवा कि स्वप्ना तापूर्व नजर पक आज क्यों खबर पर आम आलोचना करने जाऊे बात्या संपर्कित खबर निहाती भाव में सब खबरकग पृष्ठा प्राथमिकता सहित नहीं गोपालपुर पाखदे बात्या जीवार संभावना रही से संपर्कित खबर रही देखा राजधानी खबर रही साइकिल ट्रैक रे डस्टबिन रोचे कार पार्किंग होगला रंग पोता है खुंट यह सबू संपर्कित खबर रही देखा जातीय खबर एवं आंतर्जातिक खबर भितर निकट में शेष हो नपे युद्ध एवं संस्कृत भाषा आम आवेगर परिप्रकाश केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यह कथ से देखा जाजपुर रु खबर आसूरी हजारे गच्छ काटी मोरम लुट होउछि व्यास सरोवर सौंदर्यकरण पोखरी गभीर आयतन में सालिश होता भाव कमलाकांत भुवनेश्वर जहाँ खबर प्रकाश पाई दुई लक्ष ट्रक को दुईट टर्मिनाल मात्र प्रति जिले में ट्रक टर्मिनाल केबे हेबो राजपथ रे ट्रक पार्किंग बढ़ुची दुर्घटना परिवहन विभाग निर्देश को जिलापाल मानुनाहांती एभली किछि अभियोग एवं आउ एक खबर जहाँ रही नुआ दिल्ली रे केन्द्र संस्कृत विद्यालय रे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान संस्कृत भाषा आम आवेगर परिप्रकाश बोली कहिसंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं द्वितीय विश्वयुद्ध नाजी जर्मानी उपरे सोवियत यूनियन विजयर 77वां वार्षिक अवसर सोमवार रुषिया विजय दिवस पालन होई छे एवं निकटरे शेष हो न पारे युद्ध एभली किछि खबर प्रकाश पाई तबे निहाती भावे जहाँ प्रथम खबर को जहाँ जीवा बात्या आसानी निहाती भावे राज्यवासी को कौटि ना कौटि चिंता रे पकाई बात्या आसानी एवं गोपालपुर पाख हो जीव आसानी जहाँ एभली किसी अपडेट रही गोपालपुर ठार जहाँ 510 किलोमीटर दूर एवं पुरी ठू 590 किलोमीटर दूर रही आज ठू जहाँ वर्षा होबोली जहाँ पाणीपाग केन्द्र सूचना दे तेबे घंटा को यार बेग रही जहाँ 12 किलोमीटर बेगरे गति करुछि बात्या आसानी तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि विस्मय प्रधान आम सहित जोड़ी होती विस्मय जहाँ बात्या आसानी को नहीं राज्यवासी गोटे प्रकार आतंकित अच्छा राज्य सरकार समस्ते प्रस्तुत रही समस्त राज्यवासी को आश्वस्ति तेब गोपालपुर पाखदे जीव आसानी तेज घंटा प्रति यार बेग के अधिक अपडेट कौन आसानी को लेकिन निहाती भाव देखो स्वप्ना जिते बेले भी बात्या आसे गंजाम देक आसे आ गंजामवासी बात्या को अति निकट रू देखते आभेई मत प्रत्येक थोड़ा आप यश कथ कहतु कि फनी कथ कहतु कि फालीन कथ कहतु अनेक बात्या को सम्मुखीन होती गंजामवासी कितु यही जो बात्या आसानी असानी पखापाखी 91 किलोमीटर डिस्टेंस रे ये देखि जीव समुद्र भितर जेहेतु हूँ तो स्थल भाग छुईब ना तेणु ये जो गोपालपुर ठू पाख पाख हूँ तो टच न करपे कि गोपालपुर ठू 91 किलोमीटर थाए पुणी भुवनेश्वर टू 140 किलोमीटर दूर रही जीव कि बर्तमान समय दुआक नहीं जो बात्या आसानी अच्छी ताकू प्रस्तुति आरंभ होती पाखापाखी 510 किलोमीटर दूर से बर्तमान गोपालपुर ठू अच्छी देखते प्रथम जेहतु बात्या कथ जी कह बात्या पूर्व पूर्व प्रस्तुति आरंभ होती गंजाम जिला प्रशासन पक्ष पाखापाखी जो आज संध्या सुधा जो तलिया अंचल लोक अच्छा तलिया अंचल लोक स्थानांतरित हो तार प्रभाव देखा जाए देखो गत काली राति समय तुहा कु तुहा वर्षा होता आज सका जो वर्षा वर्षा झिझिझि वर्षा हो सत कि पाग मेघुआ रही गत काली जी आप जानते हैं सुनापुर पड़िया जो अच्छी समुद्र कूल जो भाव मत्स्यजीवी मैंने फसी थे सहित आजपल्ली निकट में जेहतु समुद्र अशांत था पांचटी डंगा भांगी जाता गोटे डंगा देख पारे गोटे भिड भाइराल हो जो भिडे कि डंगाटी आसुवा समय संघाषिक ओल्टी पड़ता और मत्स्यजीवी मैंने समुद्र भितर डूरी जाते हैं उद्धार कराइला से जो बात्या जो आसूसी आसानी तार प्रभाव कौटे कौटे देखा जाऊँगी समुद्र मध्य बर्तमान समय अशांत है तेणु विशेषकर जेहतु गंजाम को येलो वर्णिंग जारी कर गंजाम गजपति पूरी ये भाव जो येलो वर्णिंग एसआरसी पक्ष जारी कराई तेणु यह दृष्टि रखी गंजाम जिला प्रशासन पक्षर जो पहाड़िया अंचल लोक मैंने अच्छा तो अत्यधिक वर्षा हेल्ले पहाड़ धसई जबार कारण अच्छी तेणु जो चिकिटी पात्रपुर अंचल लोक मूँ जो पहाड़
पाखापाखी अंचल गाँ गुड़ी से स्थानातरण होता सहित बात्या स्थल प्रस्तुत रखी आवश्यक स्थल जब पड़े तो स्कूल गुड़क स्कूल जो रही स्कूल गुड़क अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़क से बात्यास्थल भाव व्यवहार हो जो घन घन अफिसर बैठक जारी रही गंजाम जिले में सहित अफिसर मैंने जो सरकारी अधिकारी मैंने अच्छा से मैंने प्रत्येक गाँ जा समुद्रकूली अंचल जाऊँच सचेतता करत्या प्रति भयभीत हूँ ना से गोटे गोटे समुद्र अंचल देखिए गोटे गोटे स्थान में नोटिस मारा जाती है आसंता 13 तारीख पर्यंत आपड़ समुद्र भितर को माछ मारिबा को जाई परिबेनि ता सहित आज सका जिलापाल को सूचना दौले रही गोपालपुर बेलाभूमि कथा कहतु कि तारिणी मंदिर कथ कहतु यह आज दुई दिन पर्यंत बंद करेणु पर्यटन स्थल गुड़ी लोक मानक मना कर तेणु मोटापाटी भाव कह गले गंजाम जिला संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छी बात्यार मुकबिला तेणु आज आवश्यक स्थल स्थानातरण हो जिलापाल कथ कहते कि बर्तमान समय में आज किसी समय मध्य में जो लाइन डिपार्टमेंट सहित बैठक होवार कार्यक्रम रही सहित ये जो मत्स्यजीवी मानक अंचल को जा माइक जोगे सचेतनता करार कार्यक्रम रही स्वप्ना निहाती भावे विस्मय जहाँ आपण अपडेट दौले जहाँ भीषण बात्या असानी वर्तमान घंटा प्रति 12 किलोमीटर यार बेग रही जहाँ यह गोपालपुर ठार 510 किलोमीटर दूर एवं पुरी ठार 590 किलोमीटर दूर रही गंजाम जिला प्रशासन बात्यार मुकाबला सबु प्रकार प्रस्तुत रही सूचना रही धन्यवाद विस्मय आपण समस्त अपडेट पर। तबे सपना परवर्ती खबर रही ट्रक पार्किंग को लेकिन सबुबले प्रश्न उठे जितेबाला राजपथ कड़े ट्रक पार्किंग होता है यह असुविधा यहीपाई कारण जब देखा जहाँ तथ्य कौच खबरकगज प्रकाश कर 2 लक्ष ट्रक को मात्र 2 टर्मिनाल रही प्रति जिले में ट्रक टर्मिनाल केबे हेबो एने प्रश्न कारण राजपथ में ट्रक पार्किंग हेबारु दुर्घटना बढ़ुची परिवहन विभाग निर्देशक जो रही जिलापाल माने मानुनांती जदि देखा केवल 2 टर्मिनाल रही ट्रक रखापी गोटे मात्र सरकारी ट्रक टर्मिनाल रही कटक जिलार जगतपुर तो जो मैंने जातीय राजपथ कड़े आसुथे अन्य स्थान में जो ट्रक पार्किंग होता देखुथे दुर्घटनार कारण अनेक समय पलटुची एवं ए संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित जयपुर आम प्रतिनिधि मनोज दास जोड़ सारी मनोज जब देखाजे अनेक समय रास्ता कड़े जो ट्रक पार्किंग होता है ताकू नहीं कि दुर्घटना एवं रास्ता जाम होता है केवल भुवनेश्वर कथा नुहे केन्दुझर जाजपुर एमती अनेक जिले में जो ट्रक अत्यधिक जावासवा रही से भली स्थल में वर्तमान पर्यंत भी राज्य सरकार पक्षर ट्रक टर्मिनाल हो पारानी निश्चित भाव कमलाकांत देखो आम गोटे कथा प्रथम कही रखा चाहिए देखो जदि पूरा राज्य आकलन कराया तो पाखापाखि 2 लक्ष ट्रक ये आम पूरा राज्य रही जदि 2 लक्ष ट्रक अच्छा ताकू नहीं कि जदि हिसाब करवा 2 लक्ष ट्रक को 4 लक्ष कर्मचारी अच्छा जदि आम से टर्मिनाल व्यवस्था कथ कह ओडिशार देखूँ केवल गोटाए रही जगतपुर गोटाए रही जोटा सरकारी टर्मिनाल रही ब्रह्मपुर जोटा रही जो फास्ट गेट अटनगर और हलदियापेद हलदियापदर अटनगर ये 2 जगार गोटाए टर्मिनाल अच्छी ये सब अंचल जिते भी ट्रक रोचे से पार्किंग करवस्था कथ कह से रहा खाइबा विभिन्न प्रकार जो आराम कि विश्राम नवा कथा जी कह सबू कौन प्रकार व्यवस्था ना ताफल देखूँ जो ट्रक ड्राइवर मैंने गोटे राज्य अगर राज्य को माल सब रप्तानी करते कलिकता जाती केत आंध्रप्रदेश जाती केत मानने जदि आम कह चेन्नई जाती ये विभिन्न प्रकार दूर जरा करते से दूर जरा करती जिते पुणी राज्य को फेरती से माल अनलोडिंग ये सब व्यवस्था ये जो प्रक्रिया रही ये प्रक्रिया सारापर से विश्राम आवश्यकता रही है किंतु से विश्राम नबार कौन व्यवस्था ना जहाँफल कि देखिए जितेबाला से विश्राम न नहीं पारती अनेक समय राति दुर्घटना होता है केतबाला दिन दीपर ट्रक कौ घर उपर माड़ जाऊँच केत गाड़ी पचु धक्का दूँ ये विभिन्न प्रकार दुर्घटना बारंबार चित्र देखा मिलूँ आदि आम देखूँ जो पार्किंग व्यवस्था कथ कह जो बड़ गाड़ी गोटे भारी जान रास्ता उपलब्ध पार्किंग हो समय खास करके देखिए जो साधारण लोक मैंने जातायात करो छोटमोट गाड़ी रही प्रति जिलार जिलापाल कहला 10 रु 20 एकर जमी दि जाऊँ ट्रक रही व्यवस्था करतमान पर्यटन भी से व्यवस्था हो पारानी तो कौटि ना कौटि जितने जिलापाल मैंने अणदेखा करदेश आसूच निश्चित
निश्चित भाव कमलाकांत देखो आम ये स्पष्ट भाव में कहीपर देखो परिवहन विभाग तरफ निर्दिष्ट भाव सूचना दि जाए कि प्रत्येक जिले में जिलापा कि सेठिकार जो ट्रक ड्राइवर मान जो आवश्यकता मुताबक 20-30 एकर जगह चिन्हट करेंगे सेठी जो एम व्यवस्था गोटे गोटे ट्रक टर्मिनाल करूँ ये जो निर्देश को रही विगत अनेक वर्ष धरिकी से जमा अनुकरण करूना कौन भी जिलूर बर्तमान सुधा सठिक भाव में कौन जगह निर्वरण हो पारा नहीं किंबा कोटी टर्मिनल निर्माण हो पारा नहीं जहाँफल देखिए प्रत्येक दिन सहर में नो एंट्री व्यवस्था करथा गाड़ी मानुना गाड़वाला से आसुंच कहीं जदि से व्यवस्था कर सठिक समय से गंतव्यस्थल में न पहुंचे तेल से घाटा हम ये विभिन्न प्रकार समस्या देखा मिलूँ ये खाली गोटाए समस्या ना टर्मिनाल जदि से स्वतंत्र होता से रहीवर व्यवस्था करवल ट्रक ड्राइवर मैंने नुहंती ट्रक मालिक मैंने नुहंती साधारण जनता असुविधार सम्मुखीन हो खास करके स्वप्ना दुर्घटना बढ़ुची बहुत बहुत धन्यवाद आम प्रतिनिधि रही थे मनोज रही थे अधिक आलोचना करते कि भाव में ट्रक टर्मिनाल नथिबारु केवल ट्रक ड्राइवर माने नुहंती सारा राज्य में यार प्रभाव पड़ुछि निहाती भाव कमलाकांत परवर्त खबर जहाँ भुवनेश्वर आसी साइकिल ट्रक रे डस्टबिन और कार पार्किंग होने साइकिल आरोही मैंने विविध समस्या सम्मुखीन होती जहाँ खबर राजधानी भुवनेश्वर आसी लिभिगला रंग पोता है खुंट समस्ते देखुंट किंतु कहीं पार्टी खोलूना नियम भूलीगला बीएमसी और विडीए साइकिल ट्रैक रे थिबा हुई बड़ बड़ डस्टबिन थुआ एवं पुणी मझेरे मझेरे पार्किंग होइछि कार एमिति दृश्य देखा मिली आचार्य विहार छकरु सैनिक स्कूल रास्त केवल गोटे उदाहरण बास्तव चित्र है राजधानी निर्माण कर साइकिल ट्रैक एवं खोजिले भी मिलूनी केउंठी जबरदखलकारी कब्जा कर रखिं तो आउ केउंठी रंग उड़गला किसी खबर राजधानी भुवनेश्वर आसी तेज संपर्कित तो अधिक सूचना देवे भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि कविता स्वाई आम सहित लाइव जोड़ी होती कविता जदि कह राजधानीवासी किभली भाव फिट रे साइकिल चलेबे से साइकिल ट्रैक तैयारी करा जायतला किंतु से ट्रैक उपर एबे कार पार्किंग हेउची केउंठी डस्टबिन रखा जाउची काहे की बीएमसी बीडीए एवं कमिश्नरेट पुलिस सबु देखी कोनसी कार्यनुष्ठान नो नाही निहत भावे स्वप्ना जदि कह जो राजधानीवासी केमती फिट रे राजधानी केमती प्रदूषण मुक्त हेब ताक नजर रखी आरंभ होता मो साइकल योजना 2018 कि भाव में साइकल आरोही माने सुरखुरी ट्राफिक जाम न फसिकी केमती सुरखुरी जावास करेंगे साइकल चलेबे से सचेतनता करा एवं परवर्ती पर्यायर तापाई स्वतंत्र ट्रैक मध्य करा साइकल चलेबापाई किंतु परवर्ती पर्यायर जमती साइकल मो साइकल स्थिति होता जहाँ देखा मिलता कबाड़िया खाना मो साइकल बिक्री होतुबार चित्र सामना को आसला आउ से मो ट्रैक रो जो साइकल ट्रैक करा जाई छी तार स्थिति मध्य से कहीं वर्तमान जदि कह आचार्य विहार छकरु सैनिक स्कूल जबार रास्तार विभिन्न जो साइकल ट्रैक रही से ट्रैक रे वर्तमान डस्टबिन गुड़ा रखा जाइए आउ के गाड़ी पार्किंग कर चित्र सामना को आउटे खुंट पोत जाइए जो बड़े गोटे आरोही गोटे वर्ष रु आर वर्ष को जब से बाड़ तो से ना नस्यार सम्मुखीन होती साइकल जो मैंने चला राजधानीवासी आ सहित जो कह जो लक्ष्य नहीं कि जो उद्देश्य नहीं कि साइकल कर ट्रैक कर संपूर्ण भाव में विफल होपर कहीं जो मो साइकल योजना करने पक्ष रही राजधानीवासी केमी निजर भाव साइकल चलेबे तार तदारख करेंगे सुरखुरी चलेबे से विभिन्न व्यवस्था करोजना आरंभ होता किंतु परवर्त पर्यायर फेल मारी कहींपर कहीं बीएमसी बीडीए जो भाई भाव में व्यवस्था करते बीएमसी डस्टबिन रखा जा जो मैंने दायित्व रही जदि दायित्व निभा लोक मैंने स्थित उपजे कार्यानुष्ठान क्या एवं अनेक समस्या भोगुं राजधानी साइकल चलाउथिबा व्यक्ति माने सहित अनेक लोकों अभियोग रोचे कि जो भाई भाव में आम साइकल चलेबा पूर्वर भल लगुला साइकल चलेबा एवं परवर्त पर्यायर एवं जेहेतु साइकल चलेबा विभिन्न बाधा उपजुची तो साइकल चलेबा कम आग्रह कमी जाऊँगी कहु किंतु अंपे क्या से संपर्क में जो जड़ेबे जो ए विरुद्ध क्या आगे कहे जो बड़े ये कर मानने बीएमसी बीडीए कर्तृपक्ष तो एमती करागर निजर जो समस्या जानवे बोली अनेक लोकों मध्य प्रश्न उठू बोली आम कहीपर
निहाति भावे कविता आपण जेबले सूचना देउतले 2018 रु मो साइकल व्यवस्था आरंभ करतिले राज्य सरकार किबळी राजधानी बासी फिट रहिबे एवं किबळी प्रदूषण मुक्त रहिबो राजधानी किंतु ए सबु योजना कोटना कोटी फेल मारिछि काहेकि ना साइकल पई जे ट्रैक निर्माण होइतला से रंग मध्य लिबि गलाणी एवं सेठारे डस्टबिन रहुछि एवं कार पार्किंग करा जाउछि एवं बाट बाटे खुंट मध्य पोतागलाणी एवं एथिप्रति कहार मध्य निगा नाही बीएमसी एवं बीडीए सबु जानिसुडी मध्य चुप रहिछि एवं एथिप्रति दृष्टि दबार राज्य सरकार एवं कमिश्नरेट पुलिस बीडीए बीएमसी सबु दृष्टि दबार जरूरी होई पडिछि। धन्यवाद कविता आपणक समस्त अपडेट पई। सपना सब बड़ कथा होची बोधे बीडीए एवं बीएमसी मो साइकल को निजर भावनात एवं सबु नेता मंत्री एई बाट दे जाउछंती किंतु बोधे कहा नजर ता उपरे पड़ू नै। तबे आगु को भी आउ किछि खबर होई छि आम आलोचना करबा किंतु समय छि गोटे छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत। जहाँ खबर जाजपुर जिल्लारु आसछि क्रसर सोसुछि भूतल जल एभली किछि खबर आसछि जेहेतु जाजपुर बासी माने मध्य जल पाई हंतसंत हेउछंती एवं पानी न पाइबारु जदि कहबा गोरा माठिया धरि लाइन रे मध्य ठियाबाकु पडुछि। जाजपुर गड़ मधिपुर चलित बर्ष भूतल जलस्तर आशातीत भाबरे ह्रास पाइबा फळरे कुओ पोखरी सुखिला पड़ी लोके नाही नथिबा जल कष्ट भोगुछंती। जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक अधीन थिबा अनेक पहाड़ तली गाँ गंडारे लोके पानी पाई बार दुआर होती। आउ एक खबर जहाँ जाजपुर आसी हजारे गच्छ काटी मोरम लुट व्यास सरोवर सौंदर्यकरण पोखरी गभीर आयतन रे सालिस दीर्घ वर्ष है विकास को चाह रही व्यासनगर पौराचलवासी पौराणिक किंवदंती बहन करुवा व्यास सरोवर पुनरुद्धार सौंदर्यकरण कार्य को अकुंठरे समर्थन करिछंती किंतु गत प्राय सात मास हम प्रकल्प कार्य आरंभ होइछि एथिपाई सरकार 64 कोटी टंका मंजूर मध्य करिछंती किंतु एनबीसीसी जरिया रे दिल्लीर ठिका संस्था कृष्णा बिल्डर ही कार्य संपादित करुछि। हेले विकासळरे अनुदान सिंहभाग हर्त मिसी लूट हेउथबा अभिजोग होउछि। तबे संपर्कित अधिक अपडेट देबे जाजपुर आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया आम सहित लाइव जोड़ी होती। परमेश्वर जहाँ दुई दुईट खबर आस हजारे गच्छ काटी मोरम लुट एवं भू तल जल शोषुची क्रसर एभली किसी खबर आसतु खरा दिन आसला लोके जल टोपाए हंतसंत होती। आउ एक खबर जहाँ व्यास सरोवर सौंदर्यकरण पर जहाँ 64 कोटी टंकार व्यय अटकल करूँ से कम जदि कह अणदेखा कर देखो स्वप्ना धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत अनेक पंचायत रही जो अंचल रे वर्तमान दिन कु दिन जलस्तर निहाती भावे जहाँ गाड़ मधिपुर आसी पानी पाई बारद्वार हेलानी लोके एवं कुंभकर्ण निद्रा रे विभागीय अधिकारी जदि कहबा स्वाधीनतार सात दशंधि परे मध्य पानीय जल भली मौलिक सुविधारु वंचित रही जाजपुरवासी एवं ए संपर्कित अधिक सूचना देबे आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया पाखे पुणि थे फेरवा। परमेश्वर क्रसर शोषुची भूतल जल एवं हजारे गच्छ काटी मोरम लुट दुईट खबर प्रकाश पाई अधिक अपडेट कौन रही है देखो धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत अनेक पंचायत वर्तमान कोटना कोटी भूतल जल स्तर तबे स्वप्ना जब देखा जाति एवं आंतर्जातिक खबर जब देखा दुईट रही वर्तमान निकट में शेष न हो पारे युक्रेन युद्ध खास करके विजय दिवस रे पुतिन का उद्बोधन पर एक यार संकेत मिलू कारण जब देखा युक्रेन आक्रमण को वर्तमान 10 सप्ताह अतिक्रम हो सारे कि वर्तमान युद्ध सरबार कौन सी पूर्वानुमान करहीं नुहंती प्रकृत में युद्ध आउ के दिन चलो से आउ एक खबर रही केन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जहाँ कहते संस्कृत भाषा आम आवेगर परिप्रकाश से दुईट खबर संपर्क में आलोचना करने आम सहित आम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ सारी गगन जब देखा प्रथम युक्रेन युद्ध कथा देखा समस्त आशा था युद्ध हूँ तो शेष हो किंतु से आशा वर्तमान क्षीण होगा लगी कारण खास करके विजय दिवस जो पुतिन जो अभिभाषण रखिंट से तो संकेत मिलूँ जो भाव से आक्रमण कर समर्थन करुँच कौन यह ठीक थिला
ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବେ 77ତମ ଯୋଉ ସେମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ର, ସେଠି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୁଟିନ ଅନେକ କିଛି ବଡ ବଡ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମିତି କିଛି ବଡ ଘୋଷଣା ସେ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହର ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କଲା ଭଳି ସ୍ପିଚ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଅଲରେଡି ପ୍ରାଣହାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଥିଲା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କିଛି ଆଟାକ୍ ହବ ବୋଲି, ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଷିଆ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ପୁରା ନାଟୋ ଉପରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟୋ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯଦି ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନାଟୋ ହିଁ ଦାୟୀ, ନିଜର ଯୋଉ ପେରିଫେରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଷିଆକୁ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରଷିଆ ଆଜି ଇଏ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନାଟୋକୁ ସେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ଲାଗୁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ୟାର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତ କହି ଆସୁଛି ଯେ କୂଟନୈତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆହୁରି ସେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜି ହେଇନି ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋ ସହିତ ଯିବନି ବା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟାକ୍ ଜାରି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରକୁ ଯଦି କମଳାଙ୍କ ଆସିବା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗତକାଲି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ବେଦ ରହିଛି, ବେଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଗୀତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଯୋଉ ଆମର ପୌରାଣିକ ପୋଥି ରହିଛି, ପୌରାଣିକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ତାର ସବୁ ଗୁଡିକ ରଚନା ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ହଉ ସବୁ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହ୍ୱେନସାଙ୍ଗ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜାଗା ସେ ପରିଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଚୀନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସଂସ୍କୃତର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଆମର ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ରହିଛି, ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିବିଧତା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏକତା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁଛି। ନିହାତି ଗଗନ, ଯଦି ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଆଦ୍ୟ ଭାଷା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।